क्लास में एक टॉपिक हेडिंग दिए थे जो आज स्टार्ट करना है, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन क्या है डिफाइन किए थे। आज देखना है टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। उससे पहले एक दो क्वेश्चन देखिए जिस बारे में आपसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर पर कह रहा है हीट की, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कहेगा। तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है क्या कि हीट ऑफ कंबसन, कंबसन मतलब जलाना। किसको जला रहे हैं आप? इथिलीन को। मतलब आप यहाँ रिएक्शन पहले लिखिएगा, ये पहला काम आपका होना चाहिए। रिएक्शन जो क्वेश्चन में कह रहा है उसका रिएक्शन पहले लिखें, क्योंकि आप थर्मोकेमिस्ट्री जान रहे हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन जब तक नहीं होगा, सबस्टांस की क्वांटिटी आपको जब तक नहीं मालूम होगी, तो फिर उसके हीट को आप कैसे मेंशन करेंगे। इसलिए रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन लिखें। तो हीट ऑफ कंबसन ऑफ इथिलीन C2H4 गैस ऑक्सीजन में जला है ना, और ये जलने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड है CO2 देगा प्लस H2O लिक्विड देगा। और अब इसको पहले आप बैलेंस कीजिए, कार्बन 2 है यहाँ 2 से गुना कीजिए, हाइड्रोजन 4 है यहाँ 4 2 से गुना कीजिए, ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया यहाँ 3 से गुना कीजिए। ये तो रिएक्शन आप लिखिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एट कांस्टेंट, देखिए यहाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू, या उसी को आप डेल्टा ई कहते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम इज इतना, मतलब किसका वैल्यू दिया, डेल्टा एच का या डेल्टा यू का। तो जैसे ही लिखा कांस्टेंट वॉल्यूम यानी डेल्टा यू, इसका वैल्यू आपको -335.8 किलो जूल दिया गया है, किलो कैलोरी दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है, क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वाटर इज ऑब्टेंड इन लिक्विड स्टेट, वो तो आप लिख ही चुके हैं लिक्विड स्टेट में है, क्वेश्चन भी कह दिया, अच्छी बात, क्योंकि कहीं कहीं H2O गैस के फॉर्म में लिया जाता है तो वो भी मेंशन रहता है कि यहाँ गैस के फॉर्म में लेना है वाटर को। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब क्या पूछा आपसे, डेल्टा एच, कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या पूछा, डेल्टा एच कितना टेम्परेचर पे, तो 18 डिग्री सी पे 273 प्लस 18 है ना। अब यहाँ 8 3 11 और 2 7 9 इतना केल्विन हो गया, 8 3 11 1 2 7 9 और ये 291 केल्विन हो गया। तो डेल्टा एच चाहिए, डेल्टा यू दिया हुआ है, फार्मूला क्या लगाइएगा, एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपसे कहा गया कि डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस, अब देखिए यहां पी डेल्टा वी लिखा जाए या फिर डेल एन आर टी लिखा जाए, तो आप यहां डेल एन आर टी लिखेंगे, क्योंकि आपको प्रेशर और वॉल्यूम की चर्चा तो क्वेश्चन में नहीं, तो आप लिखेंगे डेल एन आर टी, ये फॉर्मूला हो गया। डेल एच चाहिए, डेल यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, फॉर्मूला ये लगा देना है। अब यहाँ डेल एन के बारे में क्या जानते हैं आप, तो चेंज इन मोल मतलब टोटल सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो आप देखें कि ये जो प्रोडक्ट है ये तो लिक्विड है, लिक्विड का मोल लेने बोल रहा है, नहीं गैस का मोल लेना है, तो गैस का मोल क्या है, 2, तो 2 से घटाइए 2 माइनस, ये गैस है ये भी गैस है, 3 + 1 4 हो गया, तो 2 - 4 - 2
डेल्टा एन का वैल्यू हो गया, तो डेल्टा एन का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2 मोल ये और 3+1 4, ये भी गैस है, गैस है तो गैस का टोटल मोल, और प्रोडक्ट में गैस का टोटल मोल, तो ये लिक्विड था इसलिए इसका मोल नहीं लिए, गैस का मोल लेंगे तो 2 मोल -4 -2, डेल्टा एन का वैल्यू -2 हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दीजिए, आर का वैल्यू, ये हीट किस में दिया हुआ है, कैलोरी में, तो यहाँ पे आप हीट का वैल्यू कैलोरी में होने की वजह से आर का वैल्यू कैलोरी में रखना है, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे आप इस जगह पे, यहाँ देखें वैल्यू रखे, डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है, डेल्टा यू तो आप लिखे डेल एच बराबर -335.8 किलो कैलोरी प्लस इसका वैल्यू -2 इंटू आर का वैल्यू कैलोरी में 2 लगभग 2 इंटू टेम्परेचर 291, ये तो कैलोरी में आ गया, एनआरटी कैलोरी में आ गया, आपको तो किलो कैलोरी में इसको लिए हैं, इसलिए इसको किलो कैलोरी में लाने के लिए 1000 से भाग दे दीजिए, किलो कैलोरी हो गया। अब किलो कैलोरी और किलो कैलोरी ये माइनस प्लस माइनस कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा तो निगेटिव आएगा, और निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, और निगेटिव और निगेटिव सम कर दे जोड़ दें, पॉजिटिव जोड़ दें, तो डेल्टा एच का वैल्यू तो माइनस हो जाएगा। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया कि अगर डेल्टा यू किसी रिएक्शन में निगेटिव है तो डेल एच भी निगेटिव आएगा, अगर डेल एच निगेटिव है तो डेल यू भी निगेटिव आएगा, अगर डेल यू पॉजिटिव है तो डेल एच भी पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा मिसिंग आने लगे वैल्यू आपको, तो समझिए कहीं कहीं गलती कर दी आप क्वेश्चन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ये समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 एट कांस्टेंट प्रेशर, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 300 केल्विन इज 75.83 किलो जूल, कांस्टेंट प्रेशर एंड 300 केल्विन इज 75.83 किलोजूल, किलोजूल व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कैलकुलेट करना है। तो आप देखें यहां कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 300 केल्विन, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, CH4 का फॉर्मेशन, कैसे बनेगा CH4, तो CH4 का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसको देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन है,
तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन बराबर CH4, तो रिएक्शन लिखना है कार्बन सॉलिड प्लस H2, इससे क्या बन गया CH4 गैस बनेगा। पहले आपको रिएक्शन लिखना है, तो कह रहा है कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, तो फॉर्म किए करेंगे आप, फॉर्म करेंगे, कंबसन लिखा हो तो कंब्यूस्ड करेंगे, ऑक्सीडाइज्ड करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन लिखा हो तो न्यूट्रलाइज करेंगे, इसलिए तो पढ़ते हैं हम लोग टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, इसलिए पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ये आप देख रहे हैं फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट प्रेशर, इस तरह का अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हम क्या समझते हैं, इसलिए क्वेश्चन को देखिए, फॉर्मूला तो आपको मालूम है। तो सी प्लस H2 से CH4 का फॉर्मेशन हुआ और ये कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ, इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, 300 केल्विन टेम्परेचर पर कितना दिया हुआ है 75.83, ये माइनस में दिया हुआ है क्योंकि यहां पे एक्सोथर्मिक का केस है, ये निगेटिव में दिया हुआ है -75.83 है ना, क्वेश्चन में है माइनस में, प्लस में रहता तो इंडोथर्मिक हो जाता, यहां माइनस में दिया हुआ है तो आप लिखेंगे -75.83 किलो जूल, क्लियर है। अगर ये डेल्टा एच यहां प्लस में लिखा होता तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता, यहां माइनस में लिखा हुआ है तो क्या होगा एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच निगेटिव हो गया। तो -75.83 किलो जूल इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ इसके फॉर्मेशन, जो डेल्टा एच लिखते ही स्पष्ट हुआ कांस्टेंट प्रेशर। टेम्परेचर क्या है यहाँ 300 केल्विन टेम्परेचर है, आप कैलकुलेट करो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या कैलकुलेट करो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो, क्लियर है। कांस्टेंट वॉल्यूम कहा तो डेल्टा यू काउंट करो। अब इस इक्वेशन में हम फॉर्मूला जो यूज करने जा रहे हैं डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी, तो यहाँ डेल एन क्या है, डेल एन है यहाँ पे एक मोल और दो मोल, गैस ये है गैस ये है, ये तो सॉलिड है इसका मोल लेना नहीं है, तो प्रोडक्ट के एक मोल से दो मोल को घटा दो, 1-2 इज इक्वल टू -1, ये आ गया डेल्टा एन। अब यहाँ रख दो, बाकी वैल्यू पता है, डेल एच का वैल्यू -75.83 देखो आज जूल में है, ध्यान रहे। तो डेल यू माइनस डेल्टा एन क्या रखोगे 1, आर का वैल्यू 8.314 इंटू टी का वैल्यू 300 और ये क्या था किलो जूल में, इसलिए इसको भी किलो में बदल लो क्योंकि ये जूल में आएगा, तो 1000 से डिवाइड कर डेल्टा यू निकाल, यही निकालना है यहाँ से। तो ये हम लोग देख रहे थे कुछ एकाध एग्जाम्पल जो भी हीट ऑफ रिएक्शन में हम लोग चर्चा किए थे, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस एक्सप्रेस कर रहे थे उसमें बार बार ये कह रहे थे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिखना हो तो डेल्टा एच लिखो, कांस्टेंट प्रेशर पर लिखना हो तो डेल्टा यू लिख दो, किसी रिएक्शन में डेल्टा एच एक्सप्रेस कर दिए हम, कहीं हम डेल्टा यू एक्सप्रेस कर दिए, ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कहेगा करने के लिए। देखो दो एग्जाम्पल सामने है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आपको डेल्टा एच दिया गया है कि डेल्टा यू दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है, तुमको समझना है कि हम क्या लें, डेल्टा एच लें कि डेल्टा यू लें, अगर तुम ये बात पकड़ लिए तो फिर क्वेश्चन बन गया, इस तरह बनाना है इसको। अब यहाँ देखो हीट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, ये अलग अलग टाइप का है, बारी बारी से देख लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जितना भी देखते हो ये सब हीट ऑफ रिएक्शन या इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन को ही कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज करेगा टर्म इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन,
तो डेल्टा एच को क्या बोलते हो? इनथालपी। तो इनथालपी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन बात एक ही है। तो हम लोग पहला देख रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट टाइप देख रहे हैं, हेडिंग ये था हीट ऑफ, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग था, लिख दो हेडिंग यहां पे, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ये हेडिंग था जिसमें पहला देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो टर्म समझना, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसको कहते हो? भाषा समझोगे, लैंग्वेज समझोगे, डिफिनेशन समझोगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? मतलब ये डिफाइंड है, हमेशा हमेशा डिफाइंड है एक मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। अब ये एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होगा? तो उस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से होगा। कंस्टिट्यूएंट जैसे CH4, उसका कंस्टिट्यूएंट कौन है? CH, तो C+HCH4। CO2, उसका कंस्टिट्यूएंट कौन है? CO, तो C+O2CO2। NaCl कौन है कंस्टिट्यूएंट? NaCl, तो Na+Cl NaCl। तो इस तरह अगर मान लो कि एसिटिक एसिड है CH3COOH लिखते हो इसको, इसका कंस्टिट्यूएंट तीन एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट में लिखोगे C+H+O = CH3COOH। ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको कहते हैं। ये एक मोल कंपाउंड बनाना है तुमको, और एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब, इवॉल्व या एब्जॉर्ब दोनों हो सकता है। यहाँ सिर्फ एक जो ही होगा ऐसा नहीं है, सिर्फ इंडो ही होगा ऐसा नहीं है। हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो यहाँ सेंटेंस को समझो, हम डिफिनेशन जो लिख रहे हैं उसको पकड़ो। हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग सिंबलाइज करते हैं डेल्टा एच एफ से। क्या लिखते हैं? डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच हो गया इंथाल्पी और एफ हो गया फॉर्मेशन। तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन को ही क्वेश्चन में कह सकता है। क्वेश्चन बनाते समय तुमको इस टर्म से भेंट हो जाए इनथालपी ऑफ फॉर्मेशन, तो कहोगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन तो बताए, इनथालपी ऑफ फॉर्मेशन कहाँ बताए। इसलिए हमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो गया। हम लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान से देख लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन को ही इनथालपी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। सिंबल से भी समझ लो, डेल्टा एच को अभी कहते आ रहे हो शुरू से इंथाल्पी, तो काम को यहाँ पे डिफरेंस है। डेल्टा एच एफ इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको डिफाइन करो। ये डिफाइंड है एकदम डेफिनेट, इसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब। देखो दोनों टर्म लिख रहे हैं, इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब, एक्सो हो या इंडो, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग या ऑन, इवॉल्व और एब्जॉर्ब ऑन द फॉर्मेशन, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल। देखो यहां अंडरलाइन करो वन मोल को, ये डिफाइंड है वन मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। किसका किसका कंस्टिट्यूएंट? कंपाउंड का। फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, ये ध्यान रखो। देखो कहाँ कहाँ हम अंडरलाइन किए हैं। कहना ये है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन को इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसको इस तरह सिंबलाइज करते हैं डेल्टा एच एफ से, और इसके परिभाषा में डेफिनेशन में लिखते हैं कि हीट इवॉल्व भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है। कब? तो एक मोल कंपाउंड के बनने पर।
किससे किससे, तो इस कंपाउंड का जो कंस्टिट्यूएंट है उससे। अब जरा देखो कि अगर हम यहां पे बात करते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये CO2 का फॉर्मेशन हुआ, CO2 गैस बना और प्लस में 393.5 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखे। इस CO2 का फॉर्मेशन जो हुआ इसके कंस्टिट्यूएंट से हुआ, देख लो C+O2। इस CO2 का जो फॉर्मेशन हुआ किससे हुआ? C+O2, क्योंकि इसका कंस्टिट्यूएंट कौन कौन है? C और O, तो C+O2 CO2। अब देखो कितना मोल बना, एक मोल। कितना मोल बना? एक मोल। अब ये एक मोल जो फॉर्म किया तो एक मोल के फॉर्मेशन पर कितना हीट रिलीज हुआ? यहाँ रिलीज हुआ है ना, क्योंकि यहाँ हीट प्लस में लिखे हो, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक का है, क्योंकि इस हीट को इधर करोगे तो माइनस होगा ना हीट, इससे तो रिएक्टेंट का हीट लॉस हुआ, इसलिए एक्सोथर्मिक है। तो इसको क्या लिख सकते हो? डेल एच इज इक्वल टू माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। ये देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, इसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये हुआ एक मोल के लिए ये हीट मेजर किया गया है, एक मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए ये हीट मेजर किया गया है, इसीलिए इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा गया। ये समझ में आ गया होगा। अब देख, अगर इस हीट का मेजरमेंट, अगर इस हीट का मेजरमेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किया गया हो, तो अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का एनर्जेटिक्स पर रहे हो, एनर्जेटिक्स पर रहे हो, गैस के केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 0°C। गैस के केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 0°C, यानी 273 केल्विन। लेकिन एनर्जेटिक्स के केस में, एनर्जेटिक्स के केस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 25°C, यानी रूम टेम्परेचर। समझ रहे हो बात को? रूम टेम्परेचर। और गैस के केस में भी स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब 1 एटमॉस्फेयर, एनर्जेटिक्स के केस में भी 1 एटमॉस्फेयर। इसीलिए ये ध्यान रखो, इफ द इवॉल्व और एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब हीट इज मेजर्ड एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज 25°C टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लिख दो ब्रैकेट में, समझ में आएगा बाद में भी। तो इफ द इवॉल्व और एब्जॉर्ब हीट इज मेजर्ड एट द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि ये है ना, देन द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड, देन द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और इसको सिंबल देते हो डेल्टा एच एफ डिग्री से। क्या लिखते हो? अगर ऐसा लिखा हो तो समझ जाओ कि किस टेम्परेचर पर हीट इवॉल्व हो रहा है, 25°C पर। किस प्रेशर पर? तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ये समझ लेना है तुरंत, जैसे डेल्टा एच एफ डिग्री लिखा हो। और अगर डेल्टा एच एफ लिखा हो तो समझ लो कोई अदर टेम्परेचर दिया होगा क्वेश्चन में, प्रेशर दिया होगा, ये सब दिमाग में रखना है। अब देखो, हमको अगर हीट ऑफ रिएक्शन काउंट करना है, कोई रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन अगर काउंट करना हो तो यहां देखो, हीट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला याद रखना, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ, ये टोटल सम हुआ, सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखो हीट ऑफ रिएक्शन काउंट करना है अगर किसी रिएक्शन का, तो सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑफ रिएक्टेंट, है ना। हीट ऑफ रिएक्शन अगर काउंट करना हो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, टोटल टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, इस पे क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, खुद ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, लिख लिया हो इसको, एक क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, ट्राई कर लेना खुद से, फिर हम अगले क्लास में बता देंगे और एक आध एग्जाम्पल और करवा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे, हीट ऑफ कंबशन। तो जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लिखो, CH4 गैस प्लस O2 गैस प्रोडक्ट में CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, और बैलेंस कर लेना, यहाँ 2 से गुना कर दो, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 2 से गुना कर दो, इसका तुमको इंथाल्पी चेंज काउंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या, यानी इंथाल्पी चेंज मतलब हीट ऑफ रिएक्शन काउंट करना है इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन काउंट करना है, डेल्टा एच इंथाल्पी चेंज काउंट करना है। और दिया गया है, गिवन इंथाल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इंथाल्पीज of formation of CH4, CO2 and H2O are 74.8 kilojoule per mole, are minus 74.8 kilojoule per mole, comma माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल एंड 286.2 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, ये तुमको दिया गया है। ये जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करोगे और जहाँ दिक्कत होगी फिर हम अगले क्लास में तो हम डिस्कस कर ही देंगे, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और देखना है कॉन्सेप्ट को कि तुम समझ पाए कि नहीं। और एक चीज़ कहना था तुम लोगों से, बार बार कह रहे हैं कि हमको ट्वेल्थ भी स्टार्ट करना होगा ऑनलाइन की क्या, इसकी अभी कोई गारंटी तो है नहीं, अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो ट्वेल्थ भी स्टार्ट होगा। लेकिन दुख है कि तुम्हारे बैच का अभी तक सारा बच्चा जो है ये तुम्हारे ग्रुप में लिंक नहीं है, बहुत दिन दिन के बाद सब इन्फॉर्म कर रहा है, पूछ रहा है हमसे कि क्या स्टार्ट हुआ क्लास कि नहीं हुआ, अभी भी पूछ ही रहा है।
और जैसे जैसे फोन आ रहा है वैसे वैसे हम सबको जोड़ तो रहे हैं, लेकिन तुम्हारी एक ड्यूटी एज ए स्टूडेंट बनती है मेरे लिए ही कर दो कि मेरे सारे बच्चे जुड़ जाएं, किसी का क्लास नहीं छूटे, क्योंकि ट्वेल्थ छूटेगा तो दिक्कत होगी, हमको तकलीफ होगी कि पढ़ा दिए ट्वेल्थ छूट गया, और इस त्रासदी में अगर किसी बच्चे के लिए हम काम कर रहे हैं और क्लास छूट जाए तो इससे ज़्यादा तकलीफ की बात क्या हो सकती है। इसीलिए ट्वेल्थ किसी का न छूटे, ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करना है, इसीलिए हम थोड़ा रुके हुए भी हैं कि ऑर्गेनिक सब लोग जुड़ जाए तो शुरू करें। ट्वेल्थ तुम लोग क्रॉस कर रहे हो क्योंकि अब थर्मोक्रम निकल रहा है, समाप्त हो रहा है, दो तीन क्लास और लेंगे ये समाप्त होगा, उसके बाद तुम आ जाओगे इक्विलिब्रियम में, और उसके बाद तुम्हारा एलेवेंथ फिनिश, एलेवेंथ का एक भी चैप्टर तुम्हारा नहीं बचा सिलेबस में, ट्वेल्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो तुम थोड़ा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो, तुम उसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर बच्चा लोग हैं, बहुत गांव में इंटीरियर में है, मोबाइल तो यूज़ कर रहा है लेकिन उसको ये दिख ही नहीं रहा है कि क्लास भी स्टार्ट हो गया, इसलिए थोड़ा ऐसा करो ताकि मेरी मदद हो और मेरी मदद के थ्रू उन बच्चों की मदद हो जो लोग छूट रहे हैं। तो इसका ध्यान रखो, नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करते हैं।